इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ नेटवर्क फोर कैपेसिटेंस C1, C2, C1, C2, C3, C4 आर कनेक्टेड एस शोन इन फिगर, ठीक ना, ये फिगर दे रखा है। आगे कह रहा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, पहला। दूसरा, इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज 6 माइक्रो कूलम, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन C3 एंड C4 एंड नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4। ठीक, तो चलो सबसे पहले वो कह रहा है नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस में देखो, सबसे पहले C1 और C2 ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जैसे सी डैश नाम देते हैं, सी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 मतलब 3 प्लस 6, 9 माइक्रो फैरेड। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ गया, 9 माइक्रो फैरेड। अब ये 9 और ये 4 और ये 12, ये तीनों किस में है, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक ना। पैरेलल वाले को सॉल्व करोगे तो सीरीज। अब देखो, तो अब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पहला 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/12 + 1/4 + 1/9। तो इसका एलसीएम हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 36, मतलब ये 3 + 9 + 4 डिवाइडेड बाय 36, 3, 9, 12, 4, 16 बाय 36, 4 से काटो ये 4, ये हो गया 9। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/9, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू 9/4 बोले तो 2.25 माइक्रो फैरेड, 2.25 माइक्रो फैरेड। क्लियर, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 इज 6 माइक्रो कूलम, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C4। तो देखो, C3 एंड C4 की अगर बात की जाए, तो ये दोनों, इन दोनों कैपेसिटर से टोटल चार्ज ही पास करेगा। जैसे यहाँ से Q चली, तो यहाँ से Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी पहुंचेगी Q, मतलब इन दोनों कैपेसिटर पे टोटल टोटल चार्ज होगी, ठीक ना, Q चार्ज। क्लियर, तो अब हम टोटल चार्ज इन द सर्किट निकाल लेते हैं, वही चार्ज C3 एंड C4 पे होगी। क्लियर, तो सेकंड, चार्ज स्टोर्ड ऑन C3 एंड C4, तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। सी इक्विवेलेंट इज 2.25 × 10^-6 इंटू V कितना है, 8, 8 × 16 25 × 8 = 200, मतलब 18, 18 × 10^-6 कूलम, ये Q इक्वल टू 18 माइक्रो कूलम, ये चार्ज स्टोर हो गई कैपेसिटर में। तीसरी, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखो ये क्या हो जाएगा, बस C3 C4 की बात कर रहे हैं ना, तो क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, 12 और 4 दोनों सीरीज में है, ऐसे निकाल लेते हैं ना अलग अलग, U3 + U4। अब देखो ये हो जाएगा Q² 1 मिनट, बड़ा क्यों लिया, छोटा क्यों होना चाहिए था, Q² / 2 C4 + Q² / 2 C3। अच्छा उल्टा लिख दिया, पहले इधर लेते 2 C3 और ये C4। अब U बराबर क्या हो जाएगा, Q² अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ Q² / 2, तो ये 1/C1 + 1/C2, ठीक है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q² / 2 C1 + C2 / C1 C2। ये क्लियर, अब देखो U का स्क्वायर कितना हो गया, Q का स्क्वायर कितना हो गया, U बराबर Q हो गया 18 × 10^-6 का होल स्क्वायर इंटू C1 + C2, तो सॉरी C1 C2 क्यों ले लिया मैंने,
थ्री एंड सी फोर, सी थ्री सी फोर। क्लियर? ये क्लियर ना? इंटू सी थ्री प्लस सी फोर कितना हो जाएगा? 12 4 6, 12 4 16, 16 गुणे 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 2। सी थ्री सी फोर मतलब 4 × 12 कितना हो गया? 48 इंटू 10 की पावर -12। ठीक, तो 10 की पावर -12 से 10 की पावर -6 का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और 16 * 48 ये भी कट गया, तो u बराबर कितना बचा? ऊपर बच गया 18 × 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 6 * 36, 18, 18 * 54, तो u बराबर हो गया 54 × 10 की पावर -6 जूल, या फिर u बराबर 54 मिली जूल। ठीक ना? 54 मिली जूल। चलो जूल में ही रहने दो, इतना छोटा करके और कितना लिखूं मैं? क्लियर ना?